इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। आज मैं मौजूद हूं हल्का इलाहाबाद में और ये गांव है ढाणी, बचन सिंह ढाणी लख जी, और जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गांव का जो श्री बबूता सिद्ध जी महाराज है उनका मंदिर है, जहां पे गांव के लोग हैं वो भी ये चौपड़ गेम है जी, चौपड़ है वो, उसको खेल रहे हैं और परंपरागत जो गेम है और गांव के लोग चर्चा भी करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर के sadaknama.com की टीम है वो गांव-गांव जा रही है और हम गांव के मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना काम है इस गाँव में करवाया है, और ये कह सकता हूँ कि जो वायदे किए थे उन पर सरकार कितना खरा उतरी। सर, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह जी। तो कुछ किया है काम आपके इस इलाके में सरकार ने? कुछ काम नहीं किया जी। तो क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव होंगे, लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड क्या था, वोट भी लूं देगा। तो नेता मजबूत कौन है आपके इस इलाके में? मजबूत लोग। अच्छा, अभय सिंह मजबूत है। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सुल्तान जी। सुल्तान जी। तो क्या लग रहा है, कुछ हुआ है काम आपके इस इलाके में? माड़ो मोटो काम तो ही रहे जी, सरकार आवे जी की माड़ी मोटो तो आपका कानी करा हुई है जी। तो मजबूत नेता कौन है आपके इस इलाके में? मजबूत तो आप बोकर किसे मजबूत बता हमें? लोग किसको मानते हैं मजबूत? चुनाव होंगे तो लोग वोट कहाँ देंगे? बहुत आपकी मर्जी, आप बढ़ देगो वोट। अच्छा, मेरी मर्जी आप बढ़ दूंगा। आप कहाँ दोगे, चलो ये बता दो, आप कहाँ दोगे? मेरा नहीं, कभी टाइम बताएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत अंदाजा आपका? आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है अभी, पता नहीं। कुछ काम हुआ है आपका, आपका पर्सनल काम हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत तो काम होता ही रहे। इसका मतलब सरकार के खिलाफ वोट दोगे आप? के विरोध ना देवा। तो आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं जी। सर, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार जी। क्या करते हैं सर आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या मूड है जनता का, ये कहूँगा कि कुछ काम करवाया आपके इस इलाके में सरकार? बीजेपी सरकार में थोड़ा बहुत काम चल रहा है जी, और इस बार जनता का माहौल इनेलो की तरफ है। तो मजबूत नेता किसको मानते हैं आपके इस बेल्ट? अभय सिंह चौटाला जी। तो ऐसा क्या है उनमें? बहुत अच्छे बंदे हैं, अच्छी छवि है। और बाकी नेताओं की बात करें तो? बाकी नेताओं की नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जी। क्या मूड है जनता का, क्या माहौल है? देखो जी, इस सरकार ने किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया, किसानों को तो बेड़ा गर्क कर दिया। नए तो पानी है, यहाँ का काला पानी आता था वो ही बंद हो गया, इतरा इतरा ही, क्योंकि हरियाणा के पिछले छोर पर, अंतिम छोर पर है, तो कुछ नहीं हुआ, ड्राई एरिया कर दिया, लाइट है नहीं, तो सरकार तो कुछ कर रही नहीं, फसल बिक नहीं रही है, क्या करे किसान तो मरने को मजबूर। तो क्या मूड है किसानों का विधानसभा? देखो जी, किसान तो चौटाला की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो मजबूत नेता किसको मानते हैं आप? मजबूत नेता थे जी, देखो हम किसी को नहीं मानते। आपका क्या नाम है सर? मनसाराम जी। जी सर, क्या ना, कुछ हुआ है काम आपके इस इलाके में? कुछ नहीं, कुछ हुआ है जी, आगे देखो। हाँ जी, ओम प्रकाश जी। तो किसको मानते हैं मजबूत नेता आपके इस इलाके में? अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला को। अच्छा, अभय सिंह मजबूत हैं। हाँ जी। क्यों, बाकी भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, पवन बेनीवाल की बात करें, वो कौन सी जाटाओं काम तो कर सके जी, चौटाला से सरकारी कर सके जी, कर सकते हैं। हाँ जी। तो पहले किया है काम आपके इस इलाके में? हाँ, करे सरकार आओ तो करे, नहीं सरकार आओ तो घुनो करे। तो इस बार क्या रहेगा विधानसभा में? मैं तो वोट चौटाला साहब ने लिया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जगमाल जी। तो कुछ हुआ है काम आपके इस इलाके में? कौन है, बस भूख मर जा रही है और करना अटकी है। तो मजबूत नेता किसको मानते हैं आपके? चौटाला ही है, चौटाला एक वही है बस, और कौन है? तो कुछ हुआ है उनकी सरकार में, कुछ काम हुआ इस सरकार? काम बस अड्डा बना दिया, जगह जगह नाला नहर काट दी, और क्या करना, आज तो काम कर दिया। तो क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? हम तो वोट देने, चौटाला नहीं देना। आपका क्या नाम है सर? तो कुछ हुआ है काम आपके इलाके में? यहाँ तो जो होता ही रहा, सड़क कम है, थोड़ा बहुत होता ही रहे, हो ही है, इसी बात को झूठी बात क्यों करा मन, कोई भी जमींदार सुविधा को नहीं खास करके। तो किसानों की हालत कैसी है? किसानों की हालत खराब है, बरसात तो कम है, या पानी तो नाले में आए हुए, कभी मरिया जी भगे भगा के। अच्छा, ना कोई भाव मिले ना बात कोई है। मजबूत नेता किसको मानते हैं? मैं तो वह नहीं माना, छोटा साहब नहीं, बांगे बारे में काम तो हो भी है, ये तो सगला ही करे नेता, आई करे भी, यहाँ क्यों झूठी बात क्यों का करे भी है, करता भी रहेगा। बाकी कोई किसान नेता है, वो किसान ही सुनना है तो भाई सुन सके, बाकी सुने कौन? जी, आपका क्या मानना? खजान सिंह जी। तो कुछ हुआ काम इस सरकार? घना ही हुआ जी काम, सारी गलियां पक्की होगी जी,
सारी गलियां कच्ची, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी है, सारी सुविधा जी गांव के अंदर। तो क्या रहेगा लोगों का मूड? तो सभी है, मूड क्या रहेगा विधानसभा चुनाव होंगे तो? मैं तो पवन बनने वाले देवा जी वोट विधायक। हाँ जी, ऐसे क्या खास बात है पवन बनने वाले? पवन बनने खुशी को नेता है, एक दूर बिहार कौन करे, दूर आदमी से आगे मेड़ जोड़ के चल है। एक काम है पवन बनने वाले ने, अठे एक लड़को लगे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कॉन्टैक्ट बेस पर डीसी के साहब है, डीसी के साहब है, उसकी पवन बनवाल के पास गई, वो ये चेयरमैन लड्डा था उसके पास गई, वो नट गया इनको कह नहीं होता काम बाहर, तुम तो हाथ खड़े कोई बस ये कोई काम होने वाला है कोई नहीं होने वाला, वो को जरूरी नहीं है भी एक नेता वो सारा काम करे, उसके सारे नेता को जुम्मेवारी नहीं है, उसके नेता भी सभी काम एक ही करे। हाँ काम हुआ है अपना, हुआ क्यों नहीं, ये जैसे एक काम पर हुआ है, बताओ उसने काम पर हुआ है, नया ठेकेदार आया है, वो अगर जो ना मानता किसी तो ना मानता, बस उसकी मर्जी है, कौन मानी एमएलए अब है कौन, मौका होता एमएलए तो कौन नहीं, चेयरमैन हो या चेयरमैन है, एमएलए क्यों कौन चलती तो आई है। गणेश राम जी, तो क्या क्या है आपके इस इलाके की बात करें, मजबूत नेता किसको मानते हैं, कुछ काम हुआ इस सरकार में? अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला को मजबूत नेता मानते हैं हम तो, वही आएगा उसी को चाहते हैं वही आएगा बस, हम तो इस सरकार भावे मुख्यमंत्री उनको मानते हैं। अच्छा, कुछ हुआ है काम आपके इस इलाके में? थोड़ा बहुत हुआ है कुछ नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? आने एक बुजुर्ग जी और मैं अटा पवन बहन वाला मैं सारा इकट्ठा हुआ जी, मैं एक सगा वो कहे खाड़ को मुद्दो उठाओ नंबर खाड़ बहुत पुराना है, क्या जी मैं कर दिया फलाना कर दिया दिगड़ो कर दिया की को नहीं हो और यो मीठी गोल दे दी, ये तो बिल्लू साहब देखे गया, बिल्लू साहब डेढ़ वाइन गली देखे गया करी के पूरी के, बिल्लू साहब कौन देखे आगे, बिल्लू साहब देखे गली देखे सरियाम पूरी करी बाबा पे बोले पेमेंट भी आ गई, पेमेंट आई कोई पेमेंट नहीं आई, हाँ काम वो करिए काम कर दिया उठा बात की एक बात है भाई साहब, मारा पूरा हल्का को है, मारे एरिया को है, मारे जान पहचान को है, और काफ़ी साल से यही परिवार की पूरा राजनीतिक दबाव रहे हैं, माना आपस में एक दूसरा नहीं हो जाना जब मैं जाना जाऊँ, ये अभय सिंह चौटाला इनके कारण में अभय सिंह चौटाला ने वोट दिया और जो आवे सरकार वो काम करावा है। पवन बेनीवाल की बात करें तो उनको तो चांस ही नहीं मिला जी, चांस ही नहीं मिला। क्या रहेगा विधानसभा में आपके इलाके में? अब इलाके तो कह के इसका हमारा गाँव में तो शायद चौटालो निकला है। हाँ जी बोलो, सही है क्या ये बात जो करें? वो तो वोट पड़ेगा तो पता लगे जी, 75 सिपार है। अच्छा, क्या 75 बात, 25 आवेगी 75 में से, कुछ नहीं 75 कह रहे हैं, 25 सीटें आएगी भाजपा को, कुछ नहीं। भरनी सिंह जी, तो क्या मूड है सर चुनाव को लेकर के, कुछ काम हुआ आपके इलाके में? हाँ बहुत काम हुआ इस सरकार में, जितना काम अभी हुआ उतने पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ, काफी काम हुआ है। हाँ क्या मूड क्या है जनता का विधानसभा चुनाव में, मजबूत नेता किसको मानते हैं इस इलाके के? बीजेपी है, बीजेपी मजबूत है। हाँ नेता, नेता की बात करें तो नेता तो पवन बेनीवाल। तो ये थे मेरे साथ इस ढाणी लखजी गांव के लोग, जिन्होंने अपनी अपनी राय है वो बेबाकी के साथ रखी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।